The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Emergency contraception. भाई हो गई emergency और कोई ऐसी आप लोगों से गलती हो गई आप जिसको पछताना पड़ सकता है तो ऐसे में आप क्या यूज़ करें एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले कुछ मूल बातें समझ लें कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एक्चुअली में 95% तक प्रेगनेंसीज़ को प्रिवेंट कर सकती है. 95% एक छोटा वर्ड नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया वर्ड है, मगर उसमें शर्त है कि उसे 5 दिन के अंदर अंदर यूज़ किया जाए. अब ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस को के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट. आज हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे. कोई 72 घंटे के अंदर अंदर यूज़ करना होता है, कोई कुछ घंटे में, कुछ कुछ घंटे में, कोई 5 दिन में, राइट. और ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन काफ़ी सारे सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं. अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, सेक्स हो गया, अगर आपको लगता है कि आपने जो कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर कॉन्डम या कोई पिल कुछ यूज़ किया था और वो हो सकता है कि सही ना हो, फेल हो गया हो, वो कंसर्न है आपको, या अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना नहीं आता और किसी ने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, यहाँ थोड़ी यूज़ करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, आपको लगा ही फिर तो गड़बड़ हो गई, राइट. या फिर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया हो, कोई रेप विक्टिम है, कोई ऐसे केसेस में ज़रूर ऐसे केसेस में एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट. इसमें 2 तरीके की चीज़ें आती हैं बेसिकली. एक आती है कॉपर बेयरिंग इंट्रा यूटराइन डिवाइस, IUD. जी हाँ, कॉपर वाला IUD एक, और दूसरा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट. एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ECP और कॉपर बेयरिंग IUD. कायदे से जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है वो है कॉपर बेयरिंग IUD, यानी कॉपर IUD, जैसे कॉपर टी, राइट. और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है उसकी रजीम होती है, उसका एक अलग अलग प्रकार के आते हैं, राइट. जिसमें आपको ओलिप्रिस्टल एसिटेट, लिवोनॉर्जिस्ट्रल या फिर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसमें के इथिनील, इस्ट्राडॉल एंड लिवोनॉर्जिस्ट्रल होता है. सो ये तो दवाइयों के नाम हुए, हार्मोन के नाम हुए, बता कायदा क्या है, ये क्या है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ क्या है, बला क्या है, राइट. ये बेसिकली अगर कभी हो जाए गलती तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, तो उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर आप लोग इनमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका प्रेगनेंसी ना होने के 95% चांस होंगे, राइट. अब एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर ओव्यूलेशन को डिले कर सकते हैं, लेकिन वो एबॉर्शन नहीं करते. सो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और एबॉर्शन अलग चीज़ें हैं. सो अबॉर्शन एक डिफरेंट चीज़ हुई, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन अलग हुई. कॉपर बेयरिंग वाली कॉपर IUD जो होती है, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, जो कि आपके वजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर डाली जाती है, ये क्या करता है कि आपके स्पर्म्स और एग को फर्टिलाइज नहीं होने देता, प्रिवेंट करता, राइट, उसको मिलने से पहले, एक दूसरे से मिलने से पहले, राइट. लेकिन अगर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो अगर एक प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो चुकी है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चा जाइगोट जुड़ गया है, बच्चा बन गया है अंदर और जाके वो इम्प्लांट हो गया है, डेवलप होने लगा है एम्ब्रियो, तो उसको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ नहीं कर सकता. एमरजेंसी कैनॉट इंटरप्ट एन एस्टैब्लिश प्रेगनेंसी और कैनॉट हार्म अ डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है किसको यूज़ करना है, किसको नहीं, राइट. जैसे मैंने कहा, एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एक विमेन को जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं. कोई एज लिमिट नहीं है कि भाई 17 साल की उम्र तक यूज़ करेंगे, नहीं 18, नहीं 20, नहीं 50, नहीं ऐसा कुछ, कोई एज लिमिट नहीं, किसी भी उम्र में यूज़ कर सकते हैं. और कोई एब्सोल्यूट मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मीनिंग कि भाई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं ऐसे पर्सन को तो नहीं, ये वाले बीमारी वाले पर्सन को नहीं यूज़ करना, ऐसा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. पर क्राइटेरियाज़ है,
क्राइटेरियाज है जिसमें आपको समझना होगा कि कैसे केसेस में कॉपर आईयूडी लग सकता है, कैसे में नहीं, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहाँ यूज कर सकते हैं कहाँ नहीं, राइट। अब देखो, या तो आपने एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ही नहीं किया हो, या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, कॉन्डम ब्रेक हुआ हो, कॉन्डम स्पिल हुआ हो, या फिर अगर आप जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, गोली ले रहे हो, मान लो आप माला डी या माला एन या वॉट एवर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हो, राइट, वो गोली के आपने डोज मिस कर दिए, राइट, 3 या ज़्यादा डोज मिस कर चुके हो, या फिर अगर आप जो दवाई लेते हो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, उसको खाने का टाइम जो है 3 घंटे से ज़्यादा मिस हो गया है, या फिर 27 घंटे से ज़्यादा, मतलब बेसिकली मिस हो गया है, बेसिक चीज़, राइट। और आपको ये समझना है, ये इसमें हर एक चीज़ के अलग अलग टाइप के जो पिल होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है, राइट। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल जो मिली पिल आती हैं, उसमें बोला है 3 घंटे के बाद, मतलब लेट हो गए, 3 घंटे लेट हो गए, या फिर पिछली पिल से 27 घंटे हो गए, या फिर दूसरी एक होती है डिसोजेस्ट्रॉल कंटेनिंग पिल होती है जिसमें 36 घंटे और 12 घंटे बोला हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होती है जिसमें 2 वीक्स बोला गया है और 4 वीक्स बोला गया है अगर आप मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लेते हो, तो इंजेक्शन भी आते हैं जो हफ्ते का एक बार लगता है, तो ये भी इसी हफ्ते कुछ हफ्तों में लगता है। सो एनीवेज, अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन अल्टीमेटली अगर आपको लगता है आप डाउटफुल हो तो यूज़ कर सकते हो, राइट। कभी डायफ्राम हो गया, फीमेल डायफ्राम, वो भी ब्रेक हो सकता है, या फिर अगर मान लीजिए आप कोइटस इंटरप्टस यूज़ करते हो, विड्रॉवल कर लेते हो पेनिस को सेक्स के दौरान, लेकिन अब क्या हो गया, गलती से आपको लगा कि विड्रॉवल से पहले ही जेट अंदर चला गया है, तो ऐसे में यही, या फिर दूसरी कोई भी प्रकार का आपको लगता है कि फेलियर हुआ है जिसके वजह से, या फिर आईयूडी ऑलरेडी है अंदर लेकिन वो निकल गया, मान लो एक्सपल्शन हो गया, आईयूडी ही निकल गया, आपको लगा यार ये क्या हो गया, अब क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगी, हो जाऊंगी तो देखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको ये यूज़ कर सकते हो, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या आईयूडी, राइट। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आपने एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ किया, कर लिया मान लो, तो क्या उसके बाद आपको एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन पे जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि आज एक बार हुआ है तो आगे 2 बार 4 बार हो सकता है गड़बड़, खासकर अगर आप कंसेंशुअल सेक्स में गए हो, राइट। सो ऐसे में द बेस्ट ऑप्शन इज अ आईयूडी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बाद भी लगा सकते हैं, राइट, और पहले आईयूडी डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने कहा, आपको आपके या फिर पुराने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो भी आप यूज़ कर रहे थे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और जो दूसरी तरीके की दवाएं होती हैं, जैसे कि यूपी यूलिप्रोस्टेट हो गई, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग मेथड हो गए, उसमें क्या होता है, आपको 6 दिन, 6 दिन के बाद आप अपना आईयूडी इंसर्ट करवा सकते हो, राइट, क्योंकि आईयूडी मतलब इसके कुछ दिनों के बाद लगा सकते हो, नहीं 6 दिन तो नहीं है बट इमीडिएटली भी लगा सकते हो, आईयूडी के लिए तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई कि क्या मेथड्स हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, 4 प्रकार के मेथड है। एक तो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसमें कि ओलिप्रिस्टेट है, एक है जिसमें कि लिवरनॉर्जेस्ट्रॉल है, एक है कंबाइंड ओरल पिल है, एक है लास्ट में फिर आईयूडी है। सो ऐसे में आप कौन सा यूज़ करेंगे, राइट, और कितना यूज़ करेंगे, अगर उसमें यूपीए ओलिप्रिस्टेट है, ये एक तरीके की दवा है, ओलिप्रिस्टल एसीटेट, ओलिप्रिस्टल एसीटेट, ऐसे केस में इसका सिंगल डोज होता है 30 मिलीग्राम का, 30 मिलीग्राम का। लिवरनॉर्जेस्ट्रॉल वाली दवा है तो वो सिंगल डोज होता है 1.5 मिलीग्राम का, या फिर दो डोज होते हैं 0.75 के 12 घंटे के बाद, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे होता है। और एक होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसमें कि मैंने ऑलरेडी बताया था, इथिनिल इस्ट्राडियोल और लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ये दवाई होती है, ये होती है, इसके दो डोजेज होते हैं, एक तो डोज होता है 100 माइक्रोग्राम का जिसमें इथिनिल इस्ट्राडियोल होता है प्लस 0.5 माइक्रोग्राम लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है, और सेकेंड डोज लिया जाता है 12 घंटे के बाद, फिर से वही चीज़ रिपीट, 100 माइक्रोग्राम्स इथिनिल इस्ट्राडॉल एंड 50 माइक्रोग्राम्स
आपके लिवन और डिस्ट्रॉय, राइट। सो ये मेथड्स हैं इफेक्टिवनेस के, राइट। अगर आपने मान लीजिए यूपीए वाली लिया तब तो एक ही डोज है, अगर आपने मान लीजिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिवन और डिस्ट्रॉल वाली ली और 0.75 mg की ली और एक ही गोली ली, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0.75 वाली दो लेनी थी, एक सुबह, एक 12 घंटे के बाद लेनी थी, राइट, या 1.7, 1.5 वाली ली, तो ये इसलिए ये नॉलेज जरूरी है, ठीक है। इन इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब इफेक्टिवनेस कितनी है, अब स्टडीज ये बताती हैं कि जो इफेक्टिवनेस है इसकी, कि जो वुमेन ने, जिन्होंने यूपीए वाली यूपीए जो हमने बताया यूलिप्रिस्टेट एसीटेट, उससे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन किया, उसमें प्रेगनेंसी हुई 1%, 1.2% तक, 1.2%। लेकिन जिससे लेवोनॉर्जिस्ट्रोल वाली से अगर आपने किया तो उससे प्रेगनेंसी का रेट थोड़ा बढ़ गया, 1.2 से 2.1% तक। तो बेटर कौन सा है, यूलिप्रिस्टेट, राइट। यूलिप्रिस्टेट थोड़ा सा प्रेगनेंसी में बेटर मान के चलिए, यूपी है यूलिप्रिस्टल एसीटेट वाला। फिर जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वाला था, उसमें जो था, अब आइडियली क्या होता है, वो उसका तो अभी, उसका भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास, 1 to 2% होता है फेलियर रेट। सो आइडियली ये जो दवा है, चाहे कोई भी हो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इमीडिएटली आपके इंटरकोर्स हो जाने के बाद ले लेनी चाहिए, या फिर 12 120 120 घंटे से पहले लेनी चाहिए, 120 घंटे, 120 आवर्स, राइट। अब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है अगर आप उसे 72 घंटे या 72 to 120 आवर्स के बीच में पहले ले लें, अनप्रोटेक्टेड सेल्स से, सेक्स से। उसमें सबसे इफेक्टिव यूपीए, यूपीए मतलब जो हमने बताया था यूलिप्रिस्टल एसीटेट वाली दवा है, ठीक है। अब सेफ्टी, एक सेकेंड, सॉरी। सो सेफ्टी की बात करें, साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लगना, कभी कभी इरेग्युलर वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, राइट। और ये, पर ये समझिए, ये हमेशा नहीं होते, ये कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, नॉट कॉमन। होते भी है तो माइल्ड होते हैं, जिससे कोई मेजर जान का खतरा नहीं है, होना चाहिए, राइट। और ये अपने आप बिना किसी दवा के, बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएंगे। अगर आपको वॉमिटिंग होती है जब भी दवा लिया है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर, तो हो सकता है दवाई निकल गई बिल्कुल, तब आपको एक और डोज लेना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे में कौन सी दवा है जो वॉमिटिंग, नौजिया नहीं करती या कम करती है, उसको भी समझना चाहिए। तो इसमें जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो ज़्यादा वॉमिटिंग करता है, जो लिवोनॉर्जिस्ट्रॉल या यूलिप्रिस्टेट वाले हैं वो कम वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो दवा खा लूंगा उल्टी की दवा, उससे पहले ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि उल्टी उल्टी की दवा पहले खाएं और दवा खाएं, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी प्रकार के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बाद आगे आपकी प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी रेट में कोई भी दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं। आप आगे भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, आपके अंदर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम्स या डीले या कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली है। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। अब फिर आगे बात के, क्या कोई और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉपर वाली जो आईयूडी है, कॉपर वाली आईयूडी के बारे में बात रहेगी, कि कॉपर आईयूडी बेटर है ऑब्वियसली, जो आपको 5 दिन के अंदर अंदर डाल सकते हैं, 5 दिन। ये पिल हो गई, दवा जो खानी है वो 120 120 घंटे, राइट। सो 120 घंटे बोला गया है, और जो कॉपर आईयूडी है वो 5 दिन के अंदर डाल सकते हैं। सो 5 दिन के अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स में कॉपर वाली आईयूडी डाल सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जो ज़्यादा लंबे समय के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे हैं, कि भाई आगे मेरे को प्रेगनेंसी 5 साल, 2 साल, 1 साल नहीं चाहिए। सो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है, अच्छी मेथड है। इसके लिए
आपको इसमें भी ज़्यादा बेहतर होता है कि सबसे इफेक्टिव होती है अगर ये 120 घंटे के अंदर अंदर आप डलवा लें तो 99% इफेक्टिव है ये कॉपर आईयूडी। 99% बहुत जोरदार रेट है और दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म अवेलेबल। और एक बार डाल दिया तब अंदर, तो विमेन जो है वो अपने नॉर्मल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसको यूज भी कर सकते हैं, साथ में चाहिए तो सिंपल इस पे डिपेंड कर सकते हैं। कॉपर आईयूडी सेफ है क्या? देखिए इसमें पूरे इसमें लेस देन 1% लेस देन 2% केसेस देखे गए हैं जिसमें प्रेगनेंसी नहीं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, क्योंकि आईयूडी एक ऑब्जेक्ट है अंदर जा रहा है तो वहाँ इरिटेबल इरिटेशन हो सकता है। तो 2% से कम लोगों को पीआईडी हो सकता है जिसके भी ठीक हो जाने आराम से मेडिकल दवाई उसे ठीक हो जाता है। सो कॉपर आईयूडी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट जो आप यूज कर सकते हैं एज पर यू नीड। सो द बेस्ट मेथड वुड बी आइदर यूज अ कॉपर आईयूडी अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो लंबे समय में, या फिर यूज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विथ ओलिप्रिस्टल एसीटेट या फिर लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल। लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल वाली दवाई आपको खानी है 1.5 ग्राम एक डोज या 0.75 ग्राम्स 12 घंटे में, एक पहले एक बाद में दो डोज, और ओलिप्रिस्टल एसीटेट आपको लेना है 30 ग्राम्स की एक डोज। रिमेंबर दीज ऑल सिंपल सिंपल थिंग्स और आप सेफ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट।